हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे उसी का एक टॉपिक अभी रहता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन आज हम इसको कवर करेंगे फर्स्ट जो हार्मोन है डेट इज़ गैस्ट्रिन इसका जो मेन सोर्स है वो है पाइलोरिक स्टोमक एंड डिओडनम ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है कंट्रोल करना द रिलीज़ ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटू स्टोमक ये क्या करता है कंट्रोल करता है सिक्रीशन किसकी गैस्ट्रिक जूस की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करता है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल में करना इंटू स्टोमक नेक्स्ट हारमोन इज सक्रेटिन सेक्रेटिन जो हार्मोन है ये फर्स्ट हार्मोन है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था पहला तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही यहीं से हो गया कि कौन सा पहला हार्मोन था जिसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो वो था सेक्रेटिन। इसका जो सोर्स है कहाँ से है डियोडनम और जेजुनम रीजन से है फूड जो है डियोडनम में आता है स्टोमक से उसके पास जब वो फूड uh, स्टोमक से होकर ड्योडनम में आता है तो वो जो फूड होता है उसमें एसिड की कंसनट्रेशन क्या होती है ज्यादा होती है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं काइन सिक्रिटिन हेल्प इन रिलीज ऑफ साल्ट बाई पेनक्रियाज अब सक्रेटिन का फंक्शन क्या है ये हेल्प करता है साल्ट को रिलीज होने में कहाँ से पेनक्रियास से जिस साल्ट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट जब फूड डियोडनम में पहुँचता है तो उसका जो एसिडिक नेचर होता है स्ट्रामक से मैंने आपको बताया है कि जब फूड डियोडनम रीजन में आता है तो वो जो फ़ूड है वो क्या होता है एसिडिक होता है बट जब वो फूड डिओडनम में पहुँचता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो साल्ट है जो पेनक्रियास रिलीज करता है वो क्या कर देता है उस फूड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है उसके नेचर को एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है अब अब जो कायम होता है ये अल्कलाइन इन नेचर है क्योंकि इसका जो एसिडिक नेचर है इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है सोडियम बाई अब ये हार्मोन अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये क्या काम कर रहा है और एक तो काम ये करता है कि साल्ट्स को रिलीज करता है पेनक्रियास से हेल्प करवाता है उनकी और दिस हार्मोन आल्सो हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ बाइल साल्ट्स अलोंग विद बाइल जूस फ्रॉम लीवर कहते हैं कि सिक्रिटिन हार्मोन का एक और फंक्शन है कि ये क्या करता है बाइल सॉल्ट को रिलीज़ कराता है बाइल जूस के साथ कहाँ से लीवर से नेक्स्ट हार्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन अब इसको हम सी सी के भी कहते हैं ये हार्मोन जो है ये हेल्प करता है पेंक्रियाटिक इंजाइम्स को रिलीज़ करने में ये कंट्रैक्ट करता है गाल ब्लैडर आ, गाल ब्लाइडर्स को ग्ला गाल ब्लाइडर जो हमारे ऑर्गन होता है बॉडी में उसको क्या करता है कंट्रैक्ट करता है ताकि वो बाइल को क्या करे रिलीज़ कर दे और स्टिमुलेट करता है अब यही जो हार्मोन है सी सी के ये स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को ताकि वो क्या करे डाइजेस्टिव इन्जाइम्स को सिक्रिएट करे पेनक्रियाटिक जूस में अब जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करता है जब वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करता है तो सी सी के उसको क्या करता है हेल्प करवाता है कि आप पेनक्रियाटिक जूस के साथ क्या रिलीज करो डाइजेस्टिव इंजाइम्स को भी रिलीज करो नेक्स्ट हार्मोन इज एंटीरो हार्मोन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और ये हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ फ्रॉम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन लिप क्रिप्स ऑफ लिबरकन से क्या करवाना सिक्रीशन करवाना ऑल थ्रू वॉल ऑफ इंटस्टाइन क्रिप्स ऑफ लिबरकन रिलीज इंजाइम्स इंटू इंटस्टाइनल जूस अब इंटस्टाइन में इंटस्टाइनल intest ग्लैंड जो हैं वो इंटस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं अब एंटीरो क्या करता है ये क्या करता है कि इंटस्टाइनल जूस के साथ कुछ इंजाइम्स को भी रिलीज करवाने में हेल्प करता है नेक्स्ट हार्मोन इज डिओक्राइनिन ये एडियोक्राइनिन जो है ये हेल्प करता है रिलीज ऑफ फ्रॉम ब्रोनर्स ग्लैंड कहते हैं कि जो ड्यूरोक्राइनिन है ये हेल्प करता है कि ब्रोनर ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज़ करे सिक्री अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करे और ये स्टीमुलेट करता है ब्रोनर्स ग्लैंड को ताकि वो क्या रिलीज़ करे म्यूकस और इंजाइम्स रिलीज़ करे किस में इंटेस्टाइनल जूस में मैंने आपको पहले जो करवाया एंटीरोक्राइनिन उसका भी यही काम था कि बट वो सिक्रीशन कहाँ से करवाता था क्रिप्स ऑफ लिबरकन को लिबरकन को से रिलीज़ करवाता था क्या Inzymes, जो इंटेस्टाइनल जूस में आते थे अब ड्यूरोक्राइनिन जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक्ट कर रहा है ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड को ही कह रहा है कि आप क्या करो ब्रोनर ग्लैंड को स्टीमुलेट करता है और कहता है म्यूकस को रिलीज करो किस में इंटेस्टाइनल जूस में अब बोथ फंक्शन जॉइंटली एंड रिलीज इज इन एंड एंटेरिकस कहते हैं कि दोनों जो हैं ये फंक्शंस करते हैं इकट्ठे होकर और रिलीज हो करते हैं सक्कस एंटेरिकस में नेक्स्ट हार्मोन इज एंटीरोगैस्ट्रोन एंटीरोगैस्ट्रोन जो हार्मोन है ये क्या करता है गैस्ट्रिक की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है एंड मोर्टिलिटी ताकि जो गैस्ट्रिक कंट्रैक्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है उसको आहिस्ता कर देता है नेक्स्ट हारमोन इज़ वैसोएक्टिव इंटस्टाइनल पैप्टाइड एक्टिव इंटस्टाइनल पैप्टाइड हारमोन जो है ये डाइलेट करता है पेरिफेरल ब्लड वेसल जो गट की है और इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को नेक्स्ट हारमोन इज़ विल्लिकाइनिन। विल्लिकाइनिन जो है ये विलाई की मूवमेंट uh, को क्या करता है एक्जल्रेट करता है ये आ गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इसमें हमने गैस्ट्रीन सिक्रेटिन गैस्ट्रीन सिक्रेटिन सी सी के एंटीरोइनिन डोक्राइनिन एंटीरोस्ट्रॉन वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पैप्टाइड और विलिकिनिन को कवर किया है इसी के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया अब हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ, वो हम स्टार्ट कर देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग